हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताता हूं कि पेपर से स्पाइडरमैन वेब शूटर कैसे बनाते हैं। और गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वेब शूटर बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ चाहिए और आपको पेपर लेना है। इसको बीच में से फोल्ड करके इसको अलग कर लेना है। फिर इसके बाद इसे आपको फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूं। और फिर एंड में फेविकोल से चिपका लेना है। ऐसे ही आपको दूसरा पेपर भी लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है। फिर इनको बीच में से एक को काट लेना। और फिर इसके बाद आपको ऐसे तीन चाहिए एक ही साइज के। और इन तीनों को चिपका लेना आप। इसके बाद हमारे पास ये जो बस्ता है, इसको ऐसे तीन काट लेने हैं इतने साइज पे, जो कि ऊपर चिपक जाए और एक पीछे चिपक जाए। हमें देखो, एक यहाँ पर लगाना है, एक इधर और एक पीछे। इसके बाद आपको एक पेपर लेना है, इसको फोल्ड करना है। जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको भी। और इसको एंड में फेविकोल से चिपका लेना है, जैसे मैंने चिपका दिया है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर ये इसको इतना लेना है बैक साइड में और इतना कट कर लेना है। फिर इसको यहाँ पर बैक साइड में लगा के इसको यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। इसके बाद हमें इसमें ये जो बचा है हमारे पास, इसमें से तीन पीस कट करने हैं इतने इतने साइज के। और हमें इनको इतनी इतनी दूरी पर लगाना है, देखो ऐसे। फेविकोल से इसको पेस्ट कर देना। फिर इसके बाद इसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, देखो आप यहाँ पर करना इसके ऊपर की साइड, ये ऐसे, जिससे कि हमें नीचे जाए तो खुल जाए और ऐसे बंद। इसके बाद हमें ये लेना है जो बचा हुआ है और बाकी का, इसमें हमें रबड़ बैंड लगा देते हैं। देखो इसको फोल्ड करके उनके दोनों तरफ रबड़ बैंड लगा देंगे, देखो ऐसे। फिर इसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है बैक साइड में इसकी, यहाँ पर ऐसे। फिर हमें एक और पेपर लेना है और इसको बीच में से अलग कट कर देना है। फिर इसमें से हमें एक पेपर लेकर ऐसे इसको फोल्ड करना है, बिल्कुल पतला फोल्ड करना है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। ये ऐसे बन जाता है इसको फोल्ड करने के बाद। फिर इसको हमें एक तरफ से कट कर लेना है। इस तरफ से हमने कट करा है इसको, यहाँ पर हल्के से कट लगा लेना है, जिससे कि रबड़ बैंड रुक जाए, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हम एक फेविक्विक या बॉन्ड या फेविकोल कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा हार्ड हो जाए। हमारा वेब शूटर अब तैयार। ये जो हमने शूट करने के लिए बनाया था, इसके पीछे की तरफ आप ये धागा लगा देना जो हमने कट किया था, पेस्ट कर देना यहाँ पर धागा। ये देखिए गाइज, हमारा वेब शूटर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।